फिर मैं बोल भूल जाता हूँ इंसान का नाम, लेकिन सबसे पहले निशांत रहेगा। या अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्रतीक कुंद्रा साहब की तरह बिहेव करे, रिएक्ट करे, वो नहीं होगा। मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। एक्चुअली मैं क्या होता है ना, आप लोग हर कोई अलग अलग एक ही सवाल पूछते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही आंसर कैसे सबको बोलते रहूं, इसकी वजह से। So, कौन है फेवरेट? Yes, मुझे पता था ये आएगा क्वेश्चन। कोई एक फेवरेट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को देखना पसंद है, मतलब जो भी ग्लिम्स मैंने देखे हैं, जो भी थोड़ी बहुत फुटेज देखे हैं मैंने बिग बॉस के, उनमें से प्रतीक, फिर मैं बोल भूल जाता हूँ इंसान का नाम, लेकिन सबसे पहले निशांत रहेगा। निशांत था मैं ना, हाँ निशांत, और प्रतीक, उसके बाद कुंद्रा जी, उसके बाद समिता जी, उसके बाद तेजस्वी जी। well, प्रतीक की बात की है तो कल टास्क रद्द हो गया। बस नहीं पता मुझे, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। पर उनके एग्रेसिवनेस के बारे में, अरे यार मुझे नहीं, मैं देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसका अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी अलग एनर्जी है। सेम एनर्जी अगर आप कुंद्रा साहब से एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होगी। या अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्रतीक कुंद्रा साहब की तरह बिहेव करे, रिएक्ट करे, वो नहीं होगा। डिफरेंट लोगों का शो है, डिफरेंट तरह से लोग खेलेंगे ना, दैट्स इट। सीता जी की शादी हो गई, पूछ रहे हो तुम रामायण का, बताया ठीक है, फिर से बताओ तुमको, ठीक है चलो बता देता हूँ मैं। निशांत, उसके बाद प्रतीक, करण कुंद्रा, उसके बाद समिता जी, उसके बाद तेजस्वी, विशाल भी, कोटियान भी अच्छा कर रहा है, मतलब हाँ अच्छा कर रहा है। बोलना क्या है, ब्लॉकबस्टर है, धाकड़ है यार, मतलब रोहित सर की फिल्म है, सिटी बजनी बजनी है यार, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेट, फर्स्ट से फर्स्ट होगा नहीं पता, लेकिन कोई शक कोरोना के बाद फर्स्ट मूवी जो रिलीज हो रही है, वही तो बोल रहा हूँ कि हालांकि बहुत दिनों के बाद थिएटर रीओपन होने वाले हैं, एक अलग ही खुशी है उस चीज़ को लेके। बस मैं इतना कहूँगा कि हम लोग सतर्क भी रहे हैं थोड़ा, और कुछ नहीं, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।